आज के बॉलीवुड काउंटडाउन में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हिमानी शिवपुरी ने सलमान खान को मारा चाटा। इसके अलावा बात करेंगे राजीव खंडेलवाल ने क्या बताया इंडस्ट्री पॉलिटिक्स के बारे में, साथ ही कैसे शाहरुख खान को फ्लॉप फिल्म से 200 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट हुआ। नमस्कार, मैं हूं भाविका और शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। क्या आर्यन खान अपनी मिस्टीरियस गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट होते हुए नजर आए? एक वायरल वीडियो में आर्यन खान अपनी मिस्टीरियस गर्लफ्रेंड के साथ पार्टी कर रहे हैं, जहां वो दोनों एक दूसरे के साथ कोजी मोमेंट शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि वो उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड लरीसा बोनेसी है। क्या प्रभास की फिल्म में काम करेंगे फेमस कोरियन एक्टर? ट्रेन टू बुसान में पावरफुल परफॉर्मेंस देने के बाद कोरियन एक्टर मा डोंग सोक प्रभास की 25th फिल्म स्पिरिट में विलन का किरदार निभाएंगे। स्पिरिट फिल्म मेकर्स का कहना है कि वो कोरियन एलिमेंट ऐड करके मूवी को पैन एशिया तक पहुंचाना चाहते हैं। हनुमान डायरेक्टर प्रशांत वर्मा ने टारगेट किया रणवीर सिंह को। मंडे को प्रशांत वर्मा ने ट्विटर हैंडल पर एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा, वन डे यू रियलाइज एवरी रिजेक्शन वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। यानी एक दिन आपको रियलाइज होगा कि हर रिजेक्शन एक ब्लेसिंग है, जिसके नीचे फैंस रणवीर सिंह का नाम लिख रहे हैं। फैंस का कहना है कि ये ट्वीट रणवीर सिंह को टारगेट कर रहा है, क्योंकि उन्होंने प्रशांत वर्मा की फिल्म राक्षस करने से मना कर दिया। हालांकि बाद में दोनों ने अपने ट्विटर हैंडल पर इसे क्लेरिफाई भी कर दिया। कल्कि मूवी ने तोड़े रिकॉर्ड्स नॉर्थ अमेरिका में। हाल ही में रिलीज हुई कल्कि 2898 AD इतनी सुपर डुपर हिट हो चुकी है कि सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। लास्ट वीक ही नॉर्थ अमेरिका में कल्कि टॉप 10 इंडियन मूवीज में लिस्ट हुई और आज टॉप 3 में है, सिर्फ और सिर्फ रिलीज के 11 दिन बाद ही। इंडिया टाइम्स की रिपोर्ट्स की माने तो कल्कि की बढ़ती हुई सक्सेस देख के लगता है कि वो शाहरुख खान की पठान और SS राजामौली की बाहुबली 2 को भी पीछे छोड़ देगी। अनंत अंबानी की शादी को सर्कस कहा अनुराग कश्यप की बेटी ने। जहां पूरा बॉलीवुड अनंत राधिका की शादी का जश्न मना रहा है, वहीं अनुराग कश्यप की बेटी आलिया ने अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पर लिखा कि ये शादी नहीं अब सर्कस लग रहा है। उन्होंने बताया कि उन्हें भी कुछ इवेंट में इनवाइट किया गया था, पर वो नहीं गई क्योंकि उनका मानना है कि उनमें इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट है कि वो किसी की शादी के लिए खुद को नहीं बेच सकती हैं। राघव जोयल की मूवी किल देगी कल्कि को टक्कर। राघव की नई एक्शन क्राइम मूवी किल अपने रिलीज डे के 3rd डे पर ही बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है। कल्कि मूवी की कंपटीशन होने के बाद भी इस संडे किल मूवी ने 2.8 करोड़ कमाए। टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के प्रीमियर के बाद ही किल काफी ज्यादा चर्चे में आ गई है। करण जौहर ने अपनी ही बेटी को किया फैट शेम। द फेट सूजा शो पर फेट सूजा से बात करते हुए करण ने बोला, मेरा दिल टूट जाता है जब भी मैं अपने बेटे यश को शुगर कंज्यूम करते हुए देखता हूँ। मुझे दिखता है कि उसका वजन बढ़ रहा है तो मैं उसके लिए बहुत परेशान हो जाता हूँ। उन्होंने बताया कि अपने फैमिली वेकेशन पर उन्होंने यश के वेट को लेकर कमेंट किया, पर तुरंत ही अपनी गलती का एहसास होने पर उन्होंने अपने बेटे से माफी मांग ली। अक्षय कुमार के साथ काम करने पर कई सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ा फिल्म मेकर सुधा को। सुधा कुमरा सोरारे पोटरो की ब्लॉकबस्टर सक्सेस के बाद उसका हिंदी रीमेक बना रही है, जिसके लीड हैं अक्षय कुमार। एक इंटरव्यू के दौरान सुधा ने बताया कि फर्स्ट वीक ऑफ शूटिंग में उन्हें अक्षय के साथ काफी स्ट्रगल करना पड़ा। वो चाहती थी कि वो अपनी परफॉर्मेंस को और अच्छा करे, पर ये सब अक्षय के लिए काफी अनकंफर्टेबल हो रहा था। हालांकि बाद में उन्हें रियलाइज हुआ कि वो एक्टर को सफोकेट कर रही हैं। सबको अपने हिसाब से काम करना चाहिए। ऐसे मनाया आलिया की सासुमा और राहा की दादी का बर्थडे। हैप्पी बर्थडे नीतू कपूर। आज नीतू कपूर 66 की हो गई हैं। वो अपना बर्थडे अपनी फैमिली के साथ स्विट्जरलैंड में मना रही हैं। नीतू कपूर की बेटी रिधिमा कपूर ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर मिडनाइट सेलिब्रेशन की कुछ फोटोज भी शेयर की हैं। लेट ही सही, पर बिना किसी एक्सपेक्टेशन के की मूवी। तान्या मणिकतला का कहना है कि सुटेबल बॉय करने के बाद उनके लिए फिल्मों के दरवाजे नहीं खुले, पर फिल्म मेकर मीरा नायर ने उन पे भरोसा दिखाया। इसीलिए जब वो किल मूवी कर रही थी तो उन्होंने ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी। आइकॉनिक एक्टर दिलीप कुमार सोए नहीं थे कई रातों से। दिलीप कुमार की 3rd डेथ एनिवर्सरी पर उनकी वाइफ सायरा बानो ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया, जहां उन्होंने बताया कि दिलीप कुमार को सीवियर इंसोम्निया था। शादी के बाद दिलीप कुमार सायरा को प्यार से स्लीपिंग पिलो भी बुलाते थे। कसौटी जिंदगी के एक्टर रौनित रॉय और उनकी वाइफ ने मुंबई में खरीदा 18.94 करोड़ का घर। बॉलीवुड एक्टर रौनित रॉय और उनकी वाइफ नीलम बोस रॉय ने हाल ही में मुंबई में 18.94 करोड़ का घर खरीदा है। उनका ये लैविश घर
वर्सोवा एरिया में है। हिमानी शिवपुरी ने सलमान खान को मारा चाटा। हिमानी शिवपुरी ने पहली बार सलमान के साथ हम आपके है कौन में काम किया, जहां एक सीन शूट करते वक्त हिमानी ने मजाक में सलमान को एक चाटा मारा और ये शॉट सूरज बरजातिया को इतना अच्छा लगा कि अगले सीन में जब सलमान ने अचानक से उन्हें उठाया तो वो पहले से ही प्रिपेयर थी। इस मूवी के दौरान उन दोनों में बॉन्डिंग काफी अच्छी हो गई थी। एक्टर राजीव खंडेलवाल ने बताया इंडस्ट्री पॉलिटिक्स के बारे में। एकता कपूर के सीरियल कहीं तो होगा के फेमस एक्टर राजीव ने बताया इंडस्ट्री पॉलिटिक्स के बारे में। उन्होंने बताया कि इतने पुराने एक्टर होने के बावजूद भी आज उन्हें न्यू कमर जैसा फील होता है। उनका कहना है कि जहां लालच है वहां पॉलिटिक्स है और पॉलिटिक्स तो हर जगह है। शाहरुख खान को फ्लॉप फिल्म से भी 200 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट हुआ। लोगों का कहना था कि उनकी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म डंकी में उन्हें लॉस हुआ, पर रिपोर्ट्स की माने तो राजकुमार हिरानी की इस फिल्म से शाहरुख को 200 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट हुआ। साथ ही इस फिल्म का कलेक्शन भी 600 प्लस था। हालांकि इस फिल्म को बनाने में लगभग 84 करोड़ का ही खर्चा आया था। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज और अपडेट सबसे पहले सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।